हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप आईएएस। प्रेप आईएएस पे आप सबका स्वागत है। सो मैं सिद्धार्थ कुमार, आपका गाइड और मेंटर, आज ले रहा हूँ आपके लिए डेली आंसर राइटिंग का सेशन। और आज हम करेंगे एथिक्स, ठीक है? एथिक्स में एक नॉर्मल क्वेश्चन थ्योरी वाला डिस्कस करेंगे और एक केस स्टडी डिस्कस करेंगे, ठीक है? नाउ अगेन, मैंने कॉमेंट्स में देखे काफी डाउट ये आया था कि जो टेलीग्राम का लिंक है ग्रुप का, जो हमारा पीयर इवेल्युएशन ग्रुप है, जहाँ पे आप आंसर सबमिट कर सकते हो और जहाँ से हम आंसर उठाते हैं, जिनको यहाँ पे ब्रीफली हम जो है थोड़ा बहुत इवेलुएट करके दिखा दें, ताकि सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं बट दूसरे लोगों को भी पता चले कि क्या क्या मिस्टेक्स हो सकती है और क्या क्या इंप्रूवमेंट किए जा सकते हैं आंसर राइटिंग। तो ये जो आप नीचे लिंक देख रहे हो, ये टेलीग्राम ग्रुप का इन्वाइट लिंक है। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? प्लस डिस्क्रिप्शन में भी ये लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है? सो बाई यूजिंग दिस इन्वाइट लिंक आप हमारे जो है प्रेप आईएएस के पीयर इवेल्युएशन ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको जेन्युइनली ये जो है बेनिफिट कर रहा है आंसर राइटिंग सेशन और इट इज हेल्पिंग यू अलॉट, देन प्लीज यू नो सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, अगर आपने नहीं किया हो। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस सेशन विथ योर फ्रेंड्स और पीयर्स, जो और लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीएससी किसी एग्जाम की। सो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत रिपीटेड थीम पे, ठीक है? दैट एथिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ। सो बड़ी ही रिपीटेड थीम है ये, यूपीएससी में बार बार क्वेश्चन आ रखा है इस पे, कई बार डिफरेंट तरीके से पूछ रखा है, बट मोर ऑल हमेशा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि कैसे एथिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉ, राइट? आपसे पूछा गया एक डिफरेंट तरीके से, इसमें पूछा है आपसे डू यू एग्री। सो यूपीएससी कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है आपसे, आपका पर्सपेक्टिव, आपका ओपिनियन, आपका वे ऑफ थॉट जानने के लिए, प्लस आपको इसको जस्टिफाई करना होगा, देन यू मस्ट गिव एग्जाम्पल्स, राइट? जितने ज्यादा और जितने अच्छे एग्जाम्पल्स होंगे उतने अच्छे से आपकी बात जस्टिफाइड होगी, राइट? और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, मैंने कुछ आंसर्स ज्यादातर देखे जो सी ये 10 मार्क्स का है, हमेशा कुछ लोगों ने बहुत ही लंबा आंसर लिख दिया है। सी 10 मार्क्स का है, प्लीज 10 मार्क्स के हिसाब से ही इसका आंसर लिखिए, राइट? बिकॉज एथिक्स में ज्यादातर थ्योरी वाले क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स के हैं, राइट? सो प्रैक्टिस उसी तरीके से करिए जिस तरीके से इस एग्जाम में आपको जो है क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि हो सकता है आपके पास बहुत सारा कंटेंट हो, पर अगर आप उसको 10 मार्क्स का आप 250 वर्ड में लिख रहे हो, आप बहुत मतलब 10-15 मिनट लगा रहे हो, देन ट्रस्ट मी उसका इतना यूटिलिटी नहीं होगा। आपको जो है 6 से 7 मिनट में लिखना है और 150 वर्ड्स में लिखना है। सो पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, ठीक है? आप डिफाइन करेंगे एथिक्स क्या है, लॉज क्या है, फिर आप दिखाएंगे कैसे एथिक्स इंपॉर्टेंट है लॉज से विथ एग्जाम्पल्स, राइट? बाद में आप हाईलाइट करेंगे यूटिलिटी ऑफ लॉज ऑल्सो। सब ये वाली सब हेडिंग इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज इन यूपीएससी यू नीड टू गिव बैलेंस्ड आंसर, ठीक है? यूपीएससी में जब भी डू यू एग्री वाले क्वेश्चन आते हैं, आप ऐसे नहीं बोलते यस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ दीज रीजन, ऐसे नहीं आंसर करते आप। आप बताओगे कि क्यों एग्री करते हो, उसके रीजन हाईलाइट करते हो, यस यस नहीं लिखोगे, आप लिखोगे एथिक्स आर इंपॉर्टेंट देन लॉज बिकॉज ऑफ दीज रीजन, 1, 2, 3, 4 आप रीजन विद एग्जाम्पल्स बताओगे, फिर आप बताओगे कि बट इसका मतलब ये नहीं है कि लॉज आर टोटली यू नो इरेलेवेंट या ऐसे, यू आप बताओगे कि लॉज की अपनी खुद की एक यूटिलिटी है, राइट? सो ऐसा नहीं है कि एथिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सी दोनों का अपनी जगह एक प्लेस है। सर्टेनली एथिक्स अगर जनरली देखा जाए तो एथिक्स सेट्स दी टोन फॉर द लॉज, बट कई बार लॉज भी एथिक्स के लिए जो है टोन सेट करते हैं, मतलब कई बार एथिक्स लीड करते हैं और लॉज जो है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, बट कई बार लीगल स्टैंडर्ड जो है उसके कारण जो है सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स चेंज होते हैं, ये आगे जाके एग्जाम्पल्स में हम देखेंगे। सो इसीलिए ये चीज लिखना शो करती है दैट यू हैव अ रिटन अ बैलेंस्ड आंसर, ठीक है? अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका वन साइडेड आंसर हो जाता है। लास्ट में कंक्लूजन भी बैलेंस्ड होना चाहिए, ठीक है? इट शुड नॉट बी एक्सट्रीम, ठीक है? नाउ इंट्रोडक्शन सिंपल है, दोनों को डिफाइन कर दो। एथिक्स प्रोवाइड्स अस विद गाइड्स ऑन व्हाट इज राइट थिंग टू डू इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, व्हाइल लॉ जनरली प्रोवाइड्स इन मोर स्पेसिफिक रूल्स, राइट? तो स्पेसिफिक चीजों के लिए क्या करना है क्या नहीं करना है वो लॉ है, बट जनरल गाइड की पूरे हर एस्पेक्ट को लेके कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, दैट इज व्हाट इज एथिक्स, राइट? नाउ कई लोग सोचेंगे यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहिए, नहीं, 10 मार्क का है, आपको असली चीज जब जस्टिफाई करते वक्त एग्जाम्पल देना। सो व्हाई एथिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट, सी पहली चीज शो दैट दे हैव अ ब्रॉडर स्कोप व्हाइल लॉज हैव नैरो स्कोप इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन ह्यूमन बिहेवियर। सो अगेन जैसे हम देखते हैं कई जगह जो है आपके लॉज नहीं होते हैं, कई एस्पेक्ट्स के लिए लॉज नहीं होते हैं, कई चीजों के लिए पर्सनल रिलेशंस, राइट? पर्सनल रिलेशंस हमारे किसी के साथ कैसे हैं उसमें लॉज नहीं होते, वहां एथिक्स होते हैं, इसलिए एथिक्स का स्कोप ब्रॉडर है कंपेयर टू लॉज, ठीक है? सो इन स्कोप, सो इस टाइप से एग्जाम्पल दे हुए, फॉर इंस्टांस इन पर्सनल रिलेशंस, राइट?
यू नो इन मैटर्स ऑफ एम्पथी कंपैशन देर कैन नॉट बी लॉ राइट देर कैन ओनली बी एथिक्स ठीक है. नाउ एथिक्स रिलाई ऑन इंटरनल सेंक्शन ऑफ कंसाइंस मतलब आप कोई गलत काम करते हो तो आपको होता है गिल्ट. और कई लोग कंफ्यूज करते हैं कई लोग सोचते हैं कि यार मतलब गिल्ट इतना स्ट्रांग सेंक्शन नहीं है जबकि जो एक्सटर्नल सेंक्शन लॉ का है जो पनिशमेंट का है कि सजा होगी कानून में वो ज्यादा. बट इन रियलिटी अगर आप देखो आप कई काम जो है इसीलिए नहीं करते जहां लॉज भी नहीं है वहां भी वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि आपको वो काम करोगे तो कहीं ना कहीं आपके कंसाइंस से आपको गिल्ट होगा राइट. और कोई पर्सन अगर ऐसा है जिसको गिल्ट ही नहीं होता देन ही अगर उसको गलत काम करने पे गिल्ट नहीं होता देन यू वन कैन से दैट ही इज एन अनएथिकल पर्सन. सो एक एथिकल पर्सन को गलत काम करने पे गिल्ट होगा राइट. सो दैट दिस इज द इंटरनल सेंक्शन जो आपके कंसर्न से आती है राइट. सो इसीलिए ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू एक्सटर्नल सेंक्शन जो लॉ का है. और लॉ में तो पनिशमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी वो कन्विक्शन के बाद डिपेंड होता है. बट यहाँ पे आपने गलत काम किया है गलत सोचा भी तो भी आपको गिल्ट होगी. अगला है कई बार लॉज आर बेस्ड ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स राइट. सो कई बार जो है लॉज आर बेस्ड ऑन एथिकल स्टैंडर्ड्स राइट. सो एंड कई लॉज को चेंज या अपडेट होते रहना पड़ता है जैसे जैसे जो है सोसाइटी के एथिकल स्टैंडर्ड्स चेंज या अपडेट होते रहते हैं. जैसे एक एग्जांपल हम जेंडर इक्वालिटी का ले सकते हैं जिसमें यू नो जैसे जैसे सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी को वैल्यू किया जा रहा है कुछ ऐसे लॉज थे जो अगेंस्ट थे जैसे अडल्ट्री का लॉ था सिर्फ वुमेन सेंट्रिक था जो वुमेन को यहाँ आप अडल्ट्री लॉ लिख सकते हो यू कुड से लॉ फॉर अडल्ट्री जिसको चेंज किया गया राइट. सो जो 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 क्या ट्रीट करता था वो जो अडल्ट्री का लॉ था पहले जो आईपीसी में था वो वुमेन को ट्रीट करता था एज अ प्रॉपर्टी ऑफ मेन एज अ प्रॉपर्टी ऑफ देयर हस्बैंड्स राइट. सो उसको चेंज किया गया यहाँ पे ओके बिकॉज ऑफ यू नो जो सोसाइटी का आज का स्टैंडर्ड है वो जेंडर इक्वालिटी का ठीक है पेट्रियार्की डाइल्यूट हो रही जेंडर इक्वालिटी आ रही है इसलिए उस लॉ को चेंज किया गया. ये एक एग्जाम्पल ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो ट्रिपल तलाक आपका है अगेन ये आगे वाले पार्ट में आएगा आपका ठीक है. तो ट्रिपल तलाक भी आप बोल सकते हो ट्रिपल तलाक भी आप बोल सकते हो कि एक लॉ था राइट. बट नाउ ट्रिपल तलाक इज रॉन्ग क्योंकि इट गोज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ जेंडर इक्वालिटी. सो इसलिए उसको जो है हमने रिपील कर दिया गया राइट. सो इफ लॉज बिकम अनएथिकल दे हैव टू बी रिपील्ड और मॉडिफाइड ठीक है. प्लस एथिक्स फिल द गैप्स लेफ्ट आउट बाय द लॉज राइट. सो लॉज एक तो हर बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते और एक चीज और है कि लॉ को इन्फोर्स करने के लिए हर जगह इन्फोर्स नहीं किया जा सकता राइट. सो ऐसी कई जगह है जहां लॉज है ही नहीं और कई जगह ऐसी जहां पे इन्फोर्स करना पॉसिबल ही नहीं है तो ऐसी जगह पे काम आता है एथिक्स राइट. सो इसका भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं राइट. सो इसमें जैसे आप बोल दो कि फॉलोइंग ड्राइविंग रूल्स या जब आप अकेले में हो इवन जब रात में आप हो चला रहे हो गाड़ी और रेड लाइट है कोई भी ट्रैफिक नहीं है कुछ नहीं है तो उस टाइम पे लॉ भी देखने में आपको कोई नहीं है बट इट इज योर ओन कंसाइंस इट इज योर ओन एथिक्स दैट आपको जो रोकता है आपको कहता है कि यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड फॉलो दी लॉज यू हैव टू ड्राइव सेफली राइट. कई बार आप एथिक्स में कई लोग जो है ऐसा होता है कई लोग तो जैसे ड्राइविंग की ही बात करें कई लोग जो है सेफली जो ड्राइव इसलिए करते हैं कि उनको डर है कि उनको पनिशमेंट मिले. बट मेजर रीजन ये होता है कई लोग सेफली इसलिए ड्राइव करते हैं कि वो या तो किसी और को हार्म नहीं करना चाहते राइट दे डू नॉट वॉन्ट टू हार्म अदर्स दैट्स वाई दे ड्राइव सेफली कि उनकी वजह से जो है किसी को हार्म ना हो. ओके दिस इज हाउ यू कुड गिव एग्जाम्पल्स एंड जस्टिफाई योर पॉइंट. मूविंग ऑन यूटिलिटी ऑफ लॉज सो दे सप्लीमेंट एथिकल स्टैंडर्ड. सो कई बार एथिकल स्टैंडर्ड्स को सप्लीमेंट करते हैं राइट. सो आपका एथिकल स्टैंडर्ड एक होगा उसको सप्लीमेंट करने के लिए एक लॉ होगा. दे ले डाउन स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स विच हेल्प इन इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी. कई बार एथिक्स में स्पेसिफिक चीजें नहीं बताई होती तो ग्रे जोन होता है एथिक्स में राइट कि कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो छोड़ो. बट लॉ स्पेसिफिकली बताता है कि हाँ ये करना है आपको नहीं किया तो आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है लीगल अकाउंटेबिलिटी. एंड कई बार लॉज हेल्प एस्टेब्लिश एथिकल स्टैंडर्ड. सो कई बार ऐसा होता है कि लॉज जो है आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स एस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं. नाउ यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे सती प्रथा का. नाउ सती प्रथा जो था वो सोसाइटी में जो था एट दैट टाइम इट वॉज एक्सेप्टेबल बिकॉज पेट्रियार्कियल सोसाइटी थी तो उसको चेंज करने के लिए राजा राम मोहन रॉय ने कैंपेन किया. सोशल कैंपेन सोशल चेंज तो चल ही रहा था जैसे जैसे एथिकल स्टैंडर्ड इवॉल्व बट साथ में लीगल चेंज बहुत इंपॉर्टेंट था कि जो है यू नो जो एक्ट आया था एक सती प्रथा अबॉलिशन एक्ट लाए थे 1829 में वो बहुत इंपॉर्टेंट था उसी के कारण जो है आपका जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है सेट हुए ठीक है. सो ये एग्जाम्पल है यू नो यू कुड गिव एग्जाम्पल ऑफ लीगल सेंक्शन अगेंस्ट सोशल इविल और एक हमने एग्जाम्पल ले लिया सती प्रथा. इसके तरीके से और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं ठीक है. लाइक दिस देयर कुड बी मेनी मोर एग्जाम्पल्स राइट. प्लस
इनकी एप्लीकेबिलिटी, लॉ की एप्लीकेबिलिटी बहुत रेडिली होती है, मतलब बहुत इजीली आप लॉ स्पेसिफिक सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं कंपेयर टू एथिकल स्टैंडर्ड्स। जैसे आप केस स्टडी में भी देखते हो, केस स्टडी में आपको एथिकल स्टैंडर्ड्स अप्लाई करने में जो है डिफिकल्टी होती है, बट अगर आपको लॉ क्लियरली अप्लाई करना है तो आपको पता है कि हाँ ये लॉ है, क्या ये फॉलो किया गया है नहीं किया गया है, दैट इज इजीली एप्लीकेबल। ओके, कंक्लूजन यू कुड राइट समथिंग लाइक दिस, ओके, दैट लॉ सेट्स मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर वेयर एथिक्स सेट्स मैक्सिमम स्टैंडर्ड्स, राइट। सो इस टाइप से आप कंक्लूड कर सकते हो, या कुछ और आपको जो कंक्लूजन सुटेबल लगे, जो बैलेंस्ड कंक्लूजन हो वो आप सेट कर सकते हो। यू कुड ऑल्सो से दैट लॉ एंड एथिक्स बोथ आर इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी इन कोहरेंस, मतलब ऐसा नहीं कि लॉ और एथिक्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में, दे शुड बी इन कोहरेंस। अगर कोई लॉ जो है एथिकल स्टैंडर्ड्स को वायलेट करता है तो उसको जो है रिफॉर्म करना चाहिए, कोई एथिकल स्टैंडर्ड है जो जो प्रॉपर नहीं है या जिसको चेंज होना चाहिए या इवॉल्विंग सोसाइटी के साथ, तो उसके लिए रिलेवेंट लॉ लाना चाहिए, ठीक है। नाउ ये एक केस स्टडी है, आई होप आप सबने ये केस स्टडी पढ़ ली होगी, ठीक है। इट इज अ केस स्टडी अबाउट अ चीफ मिनिस्टर एंड हिज प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वेयर चीफ मिनिस्टर वॉन्ट्स टू डू समथिंग विच इज इलीगल, जो गलत है, राइट, विच वायलेट्स पब्लिक इंटरेस्ट, राइट, कि अपने जो है किसी ने कैंपेनिंग में चीफ मिनिस्टर को हेल्प की है उसको जो है एक टेंडर दिलाना चाहते हैं बाय सबवर्टिंग द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, राइट। जबकि एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी यू आर टेलिंग योर चीफ मिनिस्टर दैट दिस इज रॉन्ग, ओके, इट विल लीड टू लॉस एंड इट विल ऑल्सो एडवर्सली इफेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, बट फिर भी चीफ मिनिस्टर इज नॉट रेडी टू लिसन एंड वो कहता है कि आपको बस ये डायरेक्शन दे दी गई, आपको ये करना है। अब आपको चीफ मिनिस्टर ने एक गलत काम करने के लिए बोल दिया, डायरेक्शन दे दिया, अब आप क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, राइट, दैट इज वॉट इज आस्क फॉर यू। पहले आपको सिंपली देखो, अगर इंट्रोडक्शन लिखना हो तो उसमें सिंपली जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आपको जो है ब्रीफ देना है। फिर सेकेंड पार्ट आ जाता है एथिकल इशूज, तो एथिकल इश्यूज में क्लियरली आप लिखो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है मिस्टर ए का चीफ मिनिस्टर का, राइट, इट इज हिज वन वन एंड इट इज पर्सनल इंटरेस्ट वर्सेस हिज पब्लिक इंटरेस्ट और हिज ड्यूटी, जो उसकी ड्यूटी है टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट, वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, ओथ लेता है चीफ मिनिस्टर टू वर्क इन पब्लिक इंटरेस्ट, तो वो ड्यूटी है एक तरफ, राइट। एंड ओवरऑल भी देखा जाए तो पब्लिक इंटरेस्ट इज अंडरमाइंड टू फेवर द प्राइवेट इंटरेस्ट, ठीक है। ऑल्सो हाईलाइट्स द नीड ऑफ हायर सिविल सर्वेंट्स, स्पेशली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी ये होते हैं, दे वर्क इन वेरी क्लोजली, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पे ब्रीफ में लिखा है, आपको एक्सप्लेन करूँ तो जो हायर सिविल सर्वेंट होते हैं, चीफ सेक्रेटरी हो गया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, इवन सेक्रेटरी हो गया, वो जो है बड़े क्लोजली वर्क करते हैं पॉलिटिशियंस के साथ, ठीक है। और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर हायर सिविल सर्वेंट्स पे ही होता है, बट डिस्पाइट इतने ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर के दे हैव टू अपहोल्ड द फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विस, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, कि कोई भी चीज आए कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो, उनको जो डिसीजन लेना है एज अ सिविल सर्वेंट इट हैज टू बी ऑन द मेरिट्स और पॉलिटिकली न्यूट्रल, मतलब कोई पॉलिटिकल बायस के थ्रू नहीं लेना है, ठीक है। इट हैज टू बी ऑन मेरिट्स, इट हैज टू इंश्योर दैट कि पब्लिक इंटरेस्ट, सिविल सर्वेंट्स को हमेशा डिसीजन लेना होता है इन पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, एंड अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर हो ऑन अ हायर सिविल सर्वेंट, ही हैज टू एक्ट ऑब्जेक्टिवली एंड इन अ पॉलिटिकली न्यूट्रल मैनर एंड अपहोल्ड दी पब्लिक इंटरेस्ट, उनको पब्लिक इंटरेस्ट को अपहोल्ड करना होता है चाहे कितना भी पॉलिटिकल प्रेशर आ जाए। बाकी जहां तक मिस्टर बी की बात है, अगेन ही हैज एन एथिकल डायलेमा टू एक्ट विथ इंटीग्रिटी। सो इंटीग्रिटी की भी बात आती है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर हु इज दी पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट चीफ मिनिस्टर से ऊपर कोई नहीं है, राइट, सो हु इज द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हेड, राइट, उससे ऊपर कोई नहीं है। और डायरेक्ट सीएम से जब प्रेशर आ रहा है तो क्लियरली अगर नहीं मानेंगे तो देयर फुड वुड बी अ पर्सनल लॉस, ओके, ट्रांसफर हो सकता है, ट्रांसफर तो मिनिमम है, और भी चीजें हो सकती है, बट डिस्पाइट एवरीथिंग अ सिविल सर्वेंट हैज टू एक्ट विद इंटीग्रिटी। देखो यहां एक चीज ध्यान रखो, व्हाट आई एम यूजिंग दीज टर्म्स इज ऑब्जेक्टिविटी, पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, इंटीग्रिटी, पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, दीज आर सम थिंग्स विच आर नोन एज, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, फाउंडेशनल वैल्यूज। फाउंडेशनल वैल्यूज हैं ये सिविल सर्वेंट की, और हर सिविल सर्वेंट को इन फाउंडेशनल वैल्यूज को अपहोल्ड करना है वाइल सर्विंग द पब्लिक, ओके। नाउ आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते तो आप क्या करते हैं, प्लीज टेल मी इन दी कॉमेंट्स, अगर आपने नहीं लिखा तो टेल मी इन कॉमेंट्स, ठीक है, कि आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते तो क्या करते। बट यहाँ पे जो एक अगेन देखो, कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है, इसके अलावा और भी एथिकल इश्यूज हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही हो,
बट इसके अलावा और भी हो सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज आप फाउंडेशनल वैल्यूज से रिलेट करके बताओगे सो दैट वुड बी ओके। ठीक है, सो ब्रीफली आप बताओगे कि बींग अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपकी, पहले सीधा आप ये नहीं बताओगे कि क्या करोगे क्या नहीं करोगे, आप पहले बताओगे कि बींग अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव यू नो एडवाइस टू चीफ मिनिस्टर ऑन वेरियस मैटर्स, और जो एडवाइस देनी है वो फ्री एंड फ्रैंक देनी है विद इंटीग्रिटी ऑनेस्टी इम्पार्शियलिटी, और जो एक्शंस भी लेने हैं बींग अ हायर सिविल सर्वेंट इज टू डू विद इंटीग्रिटी ऑनेस्टी इम्पार्शियलिटी टू अपहोल्ड पब्लिक इंटरेस्ट। इस तरीके से आप बताओगे कि बींग अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा है, आपके एक्शंस कितने ज्यादा मैटर करते हैं। उसके बाद आप बताओगे, अगेन दिस विल बी ब्रीफ, ओके, दो तीन लाइन में होगा। उसके बाद आप बताओगे कि क्या किया जा सकता है। पहली चीज, अगेन डिस्पाइट चीफ मिनिस्टर ने कहा है हमें, बट वी विल स्टिल ट्राई टू यू नो परसुएड चीफ मिनिस्टर, वी विल अर्ज हिम, हम चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करेंगे दैट ही शुड एक्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट, ओके, दैट इज वॉट वी कुड डू। बट फिर भी नहीं माने तो वी शुड मेंटेन अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी, कि मतलब सारा कम्युनिकेशन प्रॉपर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन जो है हिडन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एज अ सिविल सर्वेंट वन ऑफ दी यू नो, अगर नोलन सेवन कमिटी पढ़ा होगा, नोलन कमिटी के सेवन प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक लाइफ पढ़ा होगा, तो एक प्रिंसिपल पब्लिक लाइफ का है ट्रांसपेरेंसी की, सिविल सर्वेंट्स जो एक्शन लेते हैं उसमें उनको ट्रांसपेरेंसी मेंटेन, कोई भी इंफॉर्मेशन हिडन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ एज अ सिविल सर्वेंट एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको इंश्योर करना है कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो है फाइल्स में हिडन ना रहे। नेक्स्ट इज टेक डिसीजन और रिकमेंड ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मेरिट, राइट। सो देखिए ऐसा है, जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने कहा है कि आपको ये करना है, बट डिस्पाइट दैट आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मेरिट पे डिसीजन लेना है, कि आप अगर है कि वो करना गलत है तो आप लिखोगे दिस इज रॉन्ग, दिस इज व्हाट इट इज सजेस्टेड, ओके, दिस इज व्हाट इज रिकमेंडेड विच इज ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, जिसमें गवर्नमेंट का फायदा होगा। यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन करोगे आप, कि बताओगे कि बिडिंग प्रोसेस में गवर्नमेंट का बेनिफिट है, जबकि वो जो जो है जिस तरीके से बताया जा रहा है, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि उनके किसी बिजनेस फ्रेंड को दे दे, उसमें जो है पब्लिक इंटरेस्ट का लॉस है। ठीक है, अगर उसके बाद भी इंसिस्ट करते हैं देन आस्क फॉर रिटर्न ऑर्डर, रिटर्न ऑर्डर मांगिए, और उसके बाद भी तो बींग द इशू टू द नोटिस ऑफ चीफ सेक्रेटरी या इवन यू कुड से गवर्नर, तो गवर्नर या चीफ सेक्रेटरी है उनके नोटिस में आप ये इशू ला सकते हैं। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी क्यों, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी इज द हाईएस्ट सर्विंग सिविल सर्वेंट ऑफ द स्टेट, सो चीफ सेक्रेटरी विल बी मोर अप्रोप्राइट। ठीक है, गवर्नर नहीं, चीफ सेक्रेटरी, सो ही इज द हाईएस्ट सर्विंग सिविल सर्वेंट, ओके। नाउ इवन इफ द प्रोसेस गोज अहेड, सो चलो मान लो ऐसा किया कि जो है चीफ मिनिस्टर ने आपको हटा दिया, किसी और को लिया है कंप्लायंट सिविल सर्वेंट को, और उसके बाद भी प्रोसेस, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हटा दिया तो आपका काम खत्म। जब आप जानते हो, व्हेन यू नो कि कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंख बंद करके जो है खड़े रहोगे, बिकॉज यू नो देन यू आर इम्प्लिसिट इन, मतलब तब आप कुछ गलत देख रहे हो कि ओके आपको हटा के दूसरे को लिया है, दूसरे ने कहा कि हाँ जैसा चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि उनके फ्रेंड को दे दो ऐसा कह दिया, तो आप ये कर रहे हो, इसका मतलब आपको पता है कुछ गलत हो रहा है और आप उसको देख के भी चुप बैठे हो, देन अगेन यू आर नॉट एक्टिंग विथ इंटीग्रिटी, आप इंटीग्रिटी नहीं शो कर रहे। तो अगर प्रोसेस जाता है और अगर ऐसी करप्शन होती है तो यू विल कंप्लेन टू रिलेवेंट अथॉरिटी, लोकायुक्त या लोकपाल। अगर उसके बाद भी मैटर हज जाए देन यू कुड ऑल्सो गो फॉर विसल ब्लोइंग, सो विसल ब्लोइंग इज लास्ट रिजॉर्ट, ओके। नाउ लास्टली, ऐसा नहीं आप एब्रप्टली एंड करोगे, आप कंक्लूजन में दोगे कि इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप अपहोल्ड कर रहे हो इस कोर्स ऑफ एक्शन को फॉलो करने, पब्लिक इंटरेस्ट और इंटीग्रिटी ऑनेस्टी ऑब्जेक्टिविटी इन डूइंग योर ड्यूटी एज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, सो देख रहे हो हमने पूरी फाउंडेशनल वैल्यूज के थ्रू इसको एड्रेस किया है, नो वन कैन डिस्प्यूट अवर अप्रोच, क्योंकि हम कोई ना कोई फाउंडेशनल वैल्यू जो है अपहोल्ड कर। ठीक है, अब जरा कुछ कॉपीज आई थी देखते हैं, एंड अगेन हियर द एम इज कि आप भी यहां से सीखे, इन जिन लोगों की कॉपीज है उनके लिए नहीं, बाकी दूसरे भी सीखे। नाउ इथिक्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन लॉस, सो बेसिक डेफिनेशन दे दी इन्होंने, ठीक है, फेयर इनफ। नाउ इथिक्स अबाउट द लॉस, नाउ अगेन प्लीज गिव प्रॉपर सब हेडिंग, ओके, थोड़ा प्रॉपर सब हेडिंग दीजिए, लॉस सेट मिनिमल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिहेवियर वाइल हायर नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, एक्सप्लेन और जस्टिफाई, यू हैव, आपने पॉइंट बता दिया बट आपने जस्टिफाई नहीं किया, राइट, इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पर्सन कंसाइंस एंड सेल्फ वर्थ, नाउ इन इन एथिक्स एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन पर्सन कंसाइंस एंड सेल्फ वर्थ, राइट, सो एग्जाम्पल भी दे दिया, बट अगेन इस पॉइंट से कैसे आप बता सकते हो कि जो है आपको ये पॉइंट आपने लिखा ऐसे ही है, कहीं ना कहीं वो मेरा वाला पॉइंट के इंटरनल सेंशन वाले पॉइंट से रिलेट करता है, बट यू हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट प्रॉपरली,
सिर्फ पॉइंट लिखना ही काफी नहीं है, उसको प्रॉपरली आपको जस्टिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है। एथिक्स में तो जस्टिफिकेशन का जो है और भी ज्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है। एथिक्स इंगेजेस अवर थिंकिंग, ऑल्सो फीलिंग्स, एंड नाउ अगेन दिस इज समथिंग जो आप रिपीटेटिव हो रहा है आपका थोड़ा, ठीक है। सो नाउ अगेन जेनरिक पॉइंट्स, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपने यहाँ पे लिखा है दे आर जेनरिक पॉइंट्स, राइट। इट डज नॉट सब्सटेंशिएट और जस्टिफाई, राइट। नाउ कंक्लूजन भी अगर आप देखो, देर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, तो प्लीज जस्टिफाई हाउ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एंड प्रेजेंस ऑफ इक्विलिब्रियम की जगह प्रॉपर टर्म होता कि कोहरेंस, कि मतलब लॉ और एथिकल स्टैंडर्ड्स कोहरेंस होना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाट शुड हैव बीन देयर। सो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि एथिक्स में देखो, आप ऐसे थियोरेटिकल आंसर लिखते हो, जब डू यू एग्री जस्टिफाई पूछा है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल के साथ बताइए, ठीक है। डू नॉट यू नो जस्ट राइट पॉइंट्स एंड वेगली रैंडमली, कि ज्यादा पॉइंट्स लिखने हैं तो वेग रैंडम पॉइंट्स, डू राइट सफिशियंट नंबर ऑफ पॉइंट्स, बट ऐसा नहीं है कि ज्यादा पॉइंट्स लिखने के चक्कर में आप अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, राइट। सो डोंट डू दिस थिंग दैट यू नो टू राइट मोर पॉइंट्स यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग और जस्टिफाइंग योर पॉइंट्स प्रॉपरली, राइट। सो ये नहीं करना। अगला है केस स्टडी पे, सो दिस इज समथिंग गुड दैट हैव डन, कि आप इस टाइप से स्टेक होल्डर्स दिखा सकते हो, इस टाइप से आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, देन एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व, की कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, फेयर इनफ, ओके। सो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में वही सारी वैल्यूज आ जाती हैं। लीडरशिप क्वालिटी इन सीएम, नाउ इट इज अबाउट द इंडिविजुअल, ओके। करप्शन, यस वेरी गुड, ओके वेरी गुड। करप्शन, प्रोबिटी, नाउ अगेन प्रोबिटी करप्शन रिलेटेड है, राइट। एंड ट्रस्ट डेफिसिट, फेयर इनफ, ओके। नाउ एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इन्होंने फिर बताया कि इनकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर उन्होंने कोर्स ऑफ एक्शन बताया, कन्विंस करेंगे, राइट, एंड रिटर्न ऑर्डर, एंड ट्राई टू कंडक्ट एन ओपन बिट, राइट, एंड एज लास्ट रिसोर्ट विसल ब्लोइंग, ठीक है। सो फेयर इनफ, बट कोर्स ऑफ एक्शन को थोड़ा और इलेबरेटली आप बता के एक्सप्लेन कर सकते थे, विथ वॉट वैल्यूज हर एक्शन में, हर स्टेज पे जो है क्या फाउंडेशनल वैल्यूज हैं जो प्ले में आ रही हैं वो बताते हो, ठीक है। नाउ लास्टली कंक्लूजन इज अगेन डिसेंट इनफ, ओके। सो सब कुछ ठीक था इस आंसर में, बस जो कोर्स ऑफ एक्शन जो आपने बताया, इसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना था ज्यादा, और इसमें प्लीज इंक्लूड फाउंडेशनल वैल्यूज, कि किस कोर्स ऑफ एक्शन से, किस स्टेप से, कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू के कारण आप वो स्टेप ले रहे हो, राइट, या कौन सी फाउंडेशनल वैल्यू आप अपहोल्ड कर रहे हो वो स्टेप लेके, ये बताना था। सो दिस इज इट गाइज, एंड अगेन टेलीग्राम में आंसर देना है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। सो दिस इज फॉर टुडे, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।